अब दो मिनट हमें बात करने दे, हमें दूसरे काम भी देखने, आप बात रुकेश यार खामोश हो जाओ, जो बातें ब्रीफली करके हम फिर अपने काम। सर ये क्या हुआ है मामला यार? देखिए जी यहाँ पर लोगों को नीचे करो भाई, तकरीबन 12 बजे के करीब यहाँ नसीम नगर थाने की हद में दो भाई बहन थे, उसका बतूल और उसका भाई आकाश, ये लास्ट स्टूडेंट है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, ये जा रहे थे पिछले एक टोयोटा करोला में एक बंदे ने आके उनको क्रॉस किया है वहाँ पर और फायरिंग करके उन दोनों को वहाँ पर हिट किया है, जिसमें जो लड़की है उसरा बतूल उसकी मौके पर डेथ हो गई है, उसका जो भाई है आकाश वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया है, जो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। जो मर्डरर था जो असलेंट था उसने उनको हिट करने के बाद खुद भी हेड शॉट करके खुदकुशी कर ली थी और उसकी लाश भी अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, तो ये अभी जो उसका वेपन ऑफ ऑफेंस है जो पिस्टल है जो गाड़ी है वो कब्जे में ले ली है, उसकी जो वजूहत है कत्ल की वो हम इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, टीम हमने हाई लेवल की जो है ना उसमें कंस्टिट्यूट कर दी है, जिसके एएसपी बल्दिया दिलावर जो है उसको हेड करें, उसमें डीएसपी कासमाबाद ऐसे जो नसीम नगर और सीआईए इंचार्ज मौजूद होंगे। अच्छा सर इसकी शनाख्त हुई है, कौन बंदा था जिसने इनको? देखिए इनिशियली उसको कंफर्म तो नहीं कर सकते पर इरशाद अली के नाम से, इरशाद अली खोखर के नाम से वो कह रहे हैं, उसको अभी तक अनसर्टेन कर रहे हैं, वो यहाँ पर गुलिस्तान सजाद में रिहायशी था और असल बुलरी शाह करीम का जो वो बताया जा रहा है उसको हम प्रूव कर रहे हैं कि वजूहत क्या थी। साहब इसको फैमिली को थ्रेट था और ये बच्चा की अभी तक न पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट की थी थ्रेट की, न कोई ऐसी कंप्लेन हमें मौसूल हुई थी, न कोई ऐसी कंप्लेन बार को मौसूल हुई थी, तो जाहिर है वो चीजें अगर थ्रेट थी तो उसको नोटिस में लाना चाहिए था ताकि ये कीमती जानों का नुकसान होने से बच सकता, पर चूंकि अब ये हैपनिंग हो गई है तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से करें, प्रोफेशनली करें, कोई इसमें नुक्स न रह जाए और जो काज ऑफ मोटिव था वो क्लियर होके आप मीडिया से भी शेयर किया। अच्छा कौन सर एग्जैक्टली नहीं गया पर उसके फोटोग्राफ मैंने मंगवा दिए थे, अब यहाँ से होके इनके रिलेटिव से मैं क्राइम सीन की तरफ भी जा रहा हूँ, वहाँ पर डीएसपी और एसएचओ बिल्कुल पहुंच चुके थे और उन्होंने उस क्राइम सीन को प्रोसेस करके उसमें अपनी चीजें भी अपने शो कर दिए। तो शूटर है उसका क्या पूरा नाम? किस बिरादरी से? बुकला बिरादरी से तो नहीं था? और वो किसका ताल्लुक कहाँ से था? बता चीजें हैं जो हो सकता है जाहिर हो जाए, तो इस वजह से पुलिस हमारे साथ मुकम्मल कोऑपरेटिव है, पहले दिन से पहले मिनट से पहली जगह से जहाँ से सिक्योर्ड हुई है जो चीजें सिक्योर्ड हुई है, और जाहिर है जिम्मेदार एसएसपी साहब खुद खड़े हैं तो इसका मकसद है आप समझे कि कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा है, लेकिन मसला इशू ये है कि कोई ऐसी हमें भी कंप्लेंट नहीं थी, अभी मैंने बच्चे को भी बोला जो आपने सवाल किया कि अगर ऐसी कोई चीज थी तो कम से कम हम इनिशियल पीरियड में उसको उसका कोई सदेबाव हो सकता था, लेकिन अभी डायरेक्ट वो इन्वेस्टिगेशन में वो खुद जो तीनों वहाँ जो इंसिडेंट पर मौजूद थे वो तीनों आपके सामने में है, बाकी उनसे कोई कंसर्न है नहीं है ये बात की बातें हैं, जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चीजें आएंगी तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि तीन हमारे बार के से कंसर्न लोग या अगर दो कंसर्न अभी हम खुद भी उनकी जाहिर छानबीन बार में करेंगे, वो एनरोल्ड थे नहीं थे, किस लॉ कॉलेज में के स्टूडेंट थे किसको कहाँ क्या पोजीशन थी, क्योंकि चीजें अभी तो हम इमरजेंसी में यहाँ पहुंचे हैं इमरजेंसी के गेट पर खड़े हुए हैं, तो हमें थोड़ा आप स्पेस दें और इसमें हमारी हेल्प आउट, आप दोस्तों को यही हम रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया को, बाकी सब कंसर्न है डॉक्टर्स वो भी ब्लड दे रहे हैं लेकिन इंजरी सीवियर किस्म की है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह से बेहतर।